नमस्कार दोस्तों, आई स्टडी चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं एज ए ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूँ इंडियन रेलवे में। मेरा जो सिलेक्शन है वो एनटीपीसी 2019 के थ्रू हुआ था, तो आई होप इस बार 2024 में वैकेंसी आ चुकी है और आप लोगों ने फॉर्म भर भी लिया होगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, मैं भी आप लोगों को एक हफ्ते से बताता आ रहा हूँ कि मैं बताऊंगा कि किस जोन से भरना है, किस आरआरबी से आप लोग को फॉर्म भरना है, कहाँ पर कट ऑफ कम जाती है, कहाँ पर कट ऑफ ज्यादा जाती है, हाई कट ऑफ वाले जोन कौन से हैं। तो मैं आप लोगों को बताने वाला था, आप लोग भी वेट कर रहे थे कि सर कब तक बताओगे, हमें फॉर्म भी भरना है। 14 सेप्टेम्बर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो 13 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को किस आरआरबी से फॉर्म अप्लाई करना है जिससे आप लोगों के जॉब लगने के जो चांसेस है हाई रहे, किस आरआरबी से आप लोगों को फॉर्म भरने से अवॉइड करना है, किससे नहीं भरना है वो भी मैं बताऊंगा, ताकि आप लोग उस आरआरबी से ना भरे। अगर आप लोग उस आरआरबी से फॉर्म भरते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के जो जॉब लगने के चांसेस है वो बहुत कम होंगे। तो चलिए देख लेते, डिटेल में देखेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा तो मैं आप लोगों को सारी चीजें एक एक करके समझाऊंगा। एनटीपीसी की वैकेंसी है आप लोग जानते ही है, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को किस आरआरबी से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई तो आप लोग तब करोगे जब आप लोगों को उसके क्राइटेरिया पता होने चाहिए कि क्या क्या क्राइटेरिया। मान लीजिए अगर आप लोगों ने फॉर्म भर भी दिया है तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, तो रिजेक्ट ना हो उसके लिए आप लोगों को ध्यान क्या क्या रखना है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, ये पॉइंट्स एनटीपीसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहीं से उठाए गए हैं। क्या क्या पॉइंट्स है जिनके कारण आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है मैं बता देता हूँ। कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी। जब आप लोग भरोगे आरआरबी तो सिर्फ एक आरआरबी से आप लोगों को भरना है। एप्लीकेशन टू द मोर देन वन आरआरबी, अगर आप लोग एक से ज्यादा आरआरबी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं विल लीड टू रिजेक्शन, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा ऑफ ऑल द एप्लीकेशन। आप लोग जितने भी फॉर्म भरेंगे, जितनी भी आरआरबी से भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एनी अटेम्प्ट टू सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट, अगर आप लोग एक से ज्यादा फॉर्म भरते हैं तो भी आप लोगों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक आरआरबी से भरना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तभी आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट होगा। पॉइंट नंबर वन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद देख लेते हैं द सिलेक्शन ऑफ आरआरबी। जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो आप लोग को एक आरआरबी सिलेक्ट करनी होती है, तो अगर आप लोगों ने एक बार एक आरआरबी को सिलेक्ट कर लिया तो वही आपकी फाइनल होगी, आप लोग उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं कि मुझे आरआरबी बदलनी है। पॉइंट नंबर दो मैं क्लियर कर चुका हूँ। पॉइंट नंबर तीन पर चलते हैं, इसमें मेंशन है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना है, जब आप लोग आरआरबी तो भर रहे हैं उसके बाद पोस्ट की प्रेफरेंस भी भर रहे हैं, ध्यान ये रखिए कि आप लोगों का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप लोगों ने भरा है उसके लिए आप लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। इट इज टू बी नोटेड दैट, आप लोगों को ध्यान रखना है कैंडिडेट्स दैट इन केस द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी मेडिकली अनसुटेबल। सर अगर हमारा मेडिकल अनसुटेबल होगा तब क्या होगा? अगर आप अनसुटेबल पाए जाते हो फॉर द ऑप्टेड पोस्ट, आप लोगों ने पोस्ट भरी है, मान लीजिए आप लोगों ने गुड्स गार्ड की पोस्ट भरी है पहले नंबर पर और आप लोग मेडिकली हो गए अनफिट, ऑप्टेड मस्ट एट द टाइम ऑफ मेडिकल बिफोर अपॉइंटमेंट, तो अल्टरनेट अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी गिवन, तब आप लोगों को अल्टरनेट अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, क्लियरली मेंशन कर रखा है। अगर आप लोगों का मेडिकल क्लियर है और आप लोगों ने जो पोस्ट भरी है उसका मेडिकल क्लियर है तो आपको वही पोस्ट दी जाएगी, अल्टरनेट ऑप्शन नहीं दिया जाएगा अगर एक बार आप लोगों ने मेडिकल में फेल हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सोच समझ कर आप लोगों को अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भी भरनी है। क्या भरनी है मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि चार पोस्ट में से पांच में से कौन सी आप लोगों को पहले नंबर पर रखनी है, कौन सी दूसरे पे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा, एनटीपीसी 2024 के नाम से जो प्ले लिस्ट है उसमें अवेलेबल है। बाकी आप लोग तो जानते ही है कि स्टेजेस ऑफ द एग्जाम किस तरीके से होंगे। देखो जो भी यूट्यूबर आप लोगों को यूट्यूब पर बता रहे हैं कि इस आरआरबी से भरिए इस आरआरबी से भरिए, वो बता रहे हैं आप लोगों को 2019 के बेस पर, 2019 के बेस पर, लेकिन इस बार पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है 2024 में, तो 2019 के आधार पर जो आपको बता रहा है उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, मैं क्लियरली बता देता हूँ। आप लोग बाद में भी रियलाइज करोगे कि सर 2019 की जिसके बेस पर बताया जा रहा है कि इस आरआरबी से भरो इस आरआरबी से भरो, उसका तो इस बार कोई मतलब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले आप लोग जानिए कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहेगा। देयर शैल बी टू स्टेज कंप्यूटर बेस फॉलोड बाय द कंप्यूटर सीबैट और उसके बाद टाइपिंग। आप लोगों के क्या होगा, पेपर होगा सबसे पहले, उसके बाद आप लोगों का सीबैट होगा, और जिनका सीबैट होगा उनका सीबैट होगा, जिनकी टाइपिंग होगी उनकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग स्किल टेस्ट। टाइपिंग किस किस पोस्ट की होगी, तो जो सीनियर क्लर्क है और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है इनमें टाइपिंग होगी, उसके बाद
सीबैट किसमें होगा सर? साइको जिसको बोलते हैं, या आप लोगों का स्टेशन मास्टर में होगा। बाकी जो दो पोस्ट बचती है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की एंड कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, इनमें सिर्फ और सिर्फ सीबीटी होंगे, ना तो कोई टाइपिंग होगी और ना ही किसी तरीके का आप लोग का साइको टेस्ट। ये चीज एक्सप्लेन हो चुकी होगी। उसके बाद जो आप लोग का सीबीटी टू होगा, सेकेंड स्टेज सीबीटी होगा, उसमें कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है? 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, जितनी भी वैकेंसी होती है। और जब आप लोग सेकेंड स्टेज को पार कर लोगे, कुछ कैंडिडेट साइको के लिए जाएंगे, तो साइको में कितने गुना कैंडिडेट जाएंगे? 8 गुना जाएंगे। कुछ कैंडिडेट टाइपिंग के लिए जाएंगे, तो टाइपिंग के लिए भी कितने गुना कैंडिडेट जाएंगे? 8 गुना कैंडिडेट जाएंगे। उसके बाद हाँ, एक चीज यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखने वाली बात ये है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, व्हेन ए कैंडिडेट इज क्वालिफाइड इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी शॉर्ट लिस्टेड फॉर सबसिक्वेंट स्टेज एज ओबीसी। अगर आप लोग सीबीटी वन को क्वालिफाई कर लेते हैं, मान लिए कोई कैंडिडेट ओबीसी वाला कैंडिडेट है, सीबीटी वन उसने ओबीसी की कैटेगरी से क्वालिफाई किया है, तो उसको एंड तक ओबीसी में ही कंसिडर किया जाए, ही शैल बी कंटिन्यू टू कंसिडर सेम कैटेगरी। तो जिस कैटेगरी से आप लोग फॉर्म को क्लियर करोगे सीबीटी वन को, तो उसी कैटेगरी को आपको एंड तक कंसिडर किया जाएगा, फाइनल स्टेज तक। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट, पोस्ट प्रेफरेंस का चक्कर क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें द ऑप्शन फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट फॉर विच दे आर एलिजिबल इन द ऑप्टेड आरआरबी। देखो अंतर क्या है 2024 में और 2019 में, जिसके आधार पर आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये तो एक तरफ है 2019, इसके आधार पर आपको बताया जा रहा है कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरनी चाहिए, क्या किस आरआरबी से अप्लाई करना चाहिए। ये 2024 है। अंतर यह है जब 2019 में जो मैंने क्लियर किया था, उसमें इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरवाई थी, पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरवाई थी, और 2024 में क्या ये पोस्ट प्रेफरेंस भरवा रहे हैं। अब ये प्रोसेस इन्होंने कब किया था पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने का? ये किया था जब 2015 में वैकेंसी आई थी, 2015 में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई थी। जो आपकी 2019 में वैकेंसी आई थी उसमें पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरवाई गई, और 2024 में जो वैकेंसी आई है इसमें पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जा रही है। और ये प्रोसेस किया था इन्होंने जब 2015 की रिक्रूटमेंट आई थी। कारण क्या है इसका? क्योंकि 2019 में इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरवाई थी, वो वैकेंसी आज तक भी पूरी नहीं हो पा रही, वो भी बहुत सारे रीजन है। मान लीजिए किसी ने उसके क्या नाम गुड्स गार्ड के लिए अप्लाई करा है, तो उसका अगर उस पोस्ट में नाम नहीं आता है, तो उसको दूसरी पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहेगा 2024 में। इसलिए 2024 का जो क्राइटेरिया है बिल्कुल डिफरेंट रहेगा 2019 से। तो ये आप 2019 के आधार पर नहीं बता सकते हैं कि इसकी कौन सा आरआरबी आप लोग को भरना चाहिए। 2019 की कट ऑफ का 2024 की कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं होगा। द ऑप्शन फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर द वेरियस पोस्ट फॉर विच दे एलिजिबल इन द ऑप्टेड आरआरबी शैल बी टेकन ड्यूरिंग द सबमिशन। आप लोगों से पोस्ट प्रेफरेंस भरी जा रही है। उसके बाद क्या इन्होंने बोला, ऑन कंप्लीशन ऑफ द ऑल स्टेजेस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस आरआरबी विल अलॉट पोस्ट या फिर रेलवे यूनिट एज पर द ऑप्शन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट ओनली सब्जेक्टेड टू मेरिट। तो आप लोगों से पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जा रही है, अगर आप लोग मेरिट क्लियर कर लोगे तो आपको वो पोस्ट दे दी जाएगी। लेकिन 2019 में इस तरह नहीं था। मेडिकल स्टैंडर्ड एनी वैकेंसी पोजिशन, यहाँ पर लिखा है मेडिकल स्टैंडर्ड एंड वैकेंसी पोजिशन। वंस कैंडिडेट हैव बीन इम्पैनल, अगर आप लोग एक बार इम्पैनल हो जाते हैं एज पर दियर मेरिट चॉइस दे विल फॉरफिट द राइट, आप लोग उसके बाद अदर वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मेरे साथ क्या केस हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। पोस्ट कैटेगरी विद इन द सेम लेवल ऑफ सेवेंथ पे कमीशन। तो इसमें जो है इन केस ऑफ पे शॉर्ट फॉल, अगर आप लोगों की वैकेंसी पूरी नहीं हो पाती है पैनल्स के द्वारा, फिर बाद में ये इन्होंने बोला है कि नेक्स्ट लिस्ट आ सकती है, लेकिन इस बार नहीं आएगी। ये 2024 का केस था। अब ये तो पता ही आप लोग को पोस्ट कौन कौन सी है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट एंड सीनियर क्लर्क। सिर्फ आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग ये मेडिकल अगर फिट कर रखेंगे तभी आप लोग भरिएगा। अगर आप लोग का बी टू मेडिकल है तभी आप लोग चीफ कमर्शियल को ऊपर रखिएगा, अगर बी टू मेडिकल नहीं है तो चीफ को सबसे नीचे रखिएगा। अगर ए टू मेडिकल है और आप लोग चाहते हैं स्टेशन मास्टर बनना तभी आप लोग स्टेशन मास्टर को नंबर एक रखिएगा, नहीं तो उसको नीचे करिएगा। उसी तरीके से जो भी आप लोग का मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके आधार पर जो भी पोस्ट है उसी को नंबर एक रखिएगा, बाकी अगर मेडिकल नहीं है तो उस पोस्ट को सबसे नीचे रखिएगा, उसी में आपका फायदा होगा। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार आपको कि मेडिकल स्टैंडर्ड किस तरीके से चेक होता है। A1, A1 क्या है? देखो पहले तो आप लोग को ध्यान रखना कि A1 किस में मांगा है। तो A1 तो किसी में नहीं मांगा गया, B2 याद रखना है, A2 और C2। तो B2 देख लेते हैं, B2 सिर्फ एक में मांगा गया है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में। तो यहाँ से आप लोग का B2 है, यह है B2 जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में मांगा गया है। फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, फिजिकल फिट होना चाहिए, वो तो होते ही, एक्सरे होते हैं, आई चेक होती है, वो सारी चीज़ें होती है, बता दूंगा। डिस्टेंस विजन आप लोग का 6x9 होना चाहिए,
6/12 होना चाहिए विद या विदाउट ग्लास। अगर आप लोग का चश्मा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और नियर विजन आप लोग का 0.6 या 0.6 विद और विदाउट ग्लास होना चाहिए। व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन, तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। उसी तरीके से सी टू में भी आप लोग का 6/12 भी चलेगा, ग्लास के साथ चलेगा, ग्लास के साथ नहीं है तो भी चलेगा। और नियर विजन 0.6, वो सेम सब नियर विजन सब जगह 0.6 ही है, ग्लास के साथ और ग्लास के बिना भी। ए टू थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, मेरा जो मेडिकल स्टैंडर्ड था वो ए टू था, ए टू मैंने क्लियर किया है ए टू। तो इसमें क्या आप लोग का फिजिकल फिट होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास, तो इसमें ग्लास नहीं चलेगा। जो गुड्स गार्ड है और स्टेशन मास्टर, इसमें चश्मा नहीं चलेगा, बाकी सब पोस्ट में चश्मा अलाउड है। और इसमें आप लोग का 6/12 भी नहीं चलेगा, तो 6/6 है तो भी चलेगा, 6/9 है तो भी चलेगा। मेरी एक आँख 6/9 है और एक आँख 6/6 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अलाउड रहता है। और चश्मा नहीं होना चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ये ए टू का मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपको मांगे गए हैं, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उस मेडिकल स्टैंडर्ड को। तो अब मैं जो आपको कट ऑफ दिखाऊंगा, ये आरआरबी एनटीपीसी की 2015 की कट ऑफ दिखा रहा हूँ। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि 2015 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है और 2024 का वो सेम रहने वाला है। पिछली बार क्या था, 2024 में पोस्ट वाइज कट ऑफ हुई थी, पोस्ट वाइज आप लोग का CBT 2 हुआ था, लेकिन इस बार नहीं होगा, इस बार 2015 के तरीके से होगा। जो CBT 2 होगा वो एक ही होगा, CBT 2 एक ही होगा सब पोस्ट के लिए। पिछली 2024-19 में क्या किया इन्होंने, हर एक पोस्ट का CBT 2 अलग ले लिया, गुड्स गार्ड का अलग ले लिया, स्टेशन मास्टर का अलग ले लिया। इस वजह से कट ऑफ आपकी हाई चली गई, एक कैंडिडेट हर एक लेवल में क्वालिफाई कर गया। जब वो हर एक लेवल में काउंट हो रहा है तो कट ऑफ ऑब्वियसली ज्यादा जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट तो इन्हें 15 गुना ही लेने। अब वो 15 गुना कैंडिडेट हर एक हर पोस्ट में आ रहा है, तो उससे कट ऑफ हाई चली गई। तो 2019 के आधार पर आप लोग ये सिलेक्ट मत करिए कि किस आरआरबी से फॉर्म भरना है 2019 की कट ऑफ को देख के, मैं बता देता हूँ आप लोग मार खा जाएंगे। तो मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान में रखिए, 2015 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सेम रहेगा 2024 के, एक ही CBT 2 होगा, CBT 1 कॉमन रहेगा, CBT 2 आप लोगों का कॉमन रहेगा, दोनों CBT कॉमन रहेंगे किसी भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने फॉर्म भर रखा है। तो इसको देख लेते हैं कि इसमें आप लोगों की किस जोन की कट ऑफ कितनी गई थी, अहमदाबाद की 72, अजमेर की 77, इलाहाबाद, ये आप लोग की मैंने सारी कट ऑफ बता दी है कि किस जोन की कितनी कट ऑफ गई थी। तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए फॉर्म को भरिएगा, जिस आरआरबी की कट ऑफ कम गई है उसमें भरिएगा, ज़्यादा चांसेस रहेंगे आप लोगों को जॉब लगने के। तो उसके आधार पर मैंने भी जो आप लोगों की इस बार 2024 में जो वैकेंसी 8113 है, और जो आरआरबी वाइज वैकेंसी है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा आरआरबी वाइज कोलकाता में सबसे ज़्यादा है नंबर एक पर 1382, फिर मुंबई में 827, भुवनेश्वर में 758, बिलासपुर में 649, अहमदाबाद में 516। तो इसमें से जो मैंने आप लोगों को आरआरबी बताऊंगा वो आरआरबी भरना, तो ये तो आप लोगों की वैकेंसी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने गलती से भी कोलकाता में भर लिया फॉर्म और आप लोगों का और तैयारी उस लेवल की नहीं है तो आप डेफिनेटली बाहर हो जाएंगे। तो आप लोग देखिए कोलकाता की कट ऑफ एक बार कि कोलकाता की कट ऑफ जाती कहाँ है। तो इसमें मैं आपको कोलकाता की कट ऑफ दिखाता हूँ, ये देखिए कोलकाता की कट ऑफ, प्री की कट ऑफ है 80 नंबर, 79.5। कहाँ तक फाइट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कोई फायदा नहीं। तो कोलकाता तो गलती से भी मत भर दीजिएगा, अगर तैयारी अच्छी है बहुत बढ़िया तो कोलकाता भरिए, चंडीगढ़ भी बिल्कुल मत भरिएगा, हाई कट ऑफ जाती है फाइट नहीं कर पाओगे। एवरेज कैंडिडेट कभी भी मत भरिएगा चंडीगढ़ कोलकाता। तो सर भरना कौन सा है, तो वो मैं अब आपको बता देता हूँ, वो मैंने लिस्ट बना दी है तो वो लिस्ट देख लेते हैं। अगर सिर्फ आप लोगों का जो मोटिव है बस जॉब लेना है, किसी तरीके से सर हमें जॉब मिल जाए, एवरेज कैंडिडेट है, ज़्यादा तैयारी भी नहीं है, तो हमें किस आरआरबी से फॉर्म भरना चाहिए वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सिर्फ उस मोटिव पे है कि आप लोगों को जॉब लेनी है, एवरेज कैंडिडेट है, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं, जॉब भी करते हैं, अदर काम भी है, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए जो आरआरबी रहेगी जॉब के हिसाब से, तो मैं बता देता हूँ कि आप लोगों के हाई चांसेस रहेंगे जॉब लेने के। तो आरआरबी विद लो कट ऑफ, इन आरआरबी की कट ऑफ हमेशा लो रहती है, और जॉब लेने के जो आप लोग के चांसेस है सबसे ज़्यादा है, तो आरआरबी यहीं से भरिएगा। आरआरबी मालदा भरिए, आरआरबी रांची भरिए, आरआरबी मुजफ्फरपुर भरिए, बेंगलोर भरिए, सिलीगुड़ी भरिए, गुवाहाटी भरिए, बिलासपुर भरिए, जम्मू कश्मीर भरिए, कुछ भी भरिए इन आरआरबी से। मैं आपको बता देता हूँ एक एवरेज कैंडिडेट के जॉब लगने के चांसेस 100% रहेंगे, 90% अप्रोक्सीमेटली मान करके चले कि आपकी जॉब लग जाएगी अगर आप लोग इन आरआरबी से भरते हैं। मैंने टोटल 12 आरआरबी बताई है, 12 आरआरबी में से जो भी आपको लगता है कि सर मैं इस आरआरबी से कोई दिक्कत नहीं, इन आरआरबी को ध्यान में रखिए, इन्हीं आरआरबी से आप लोग अप्लाई करिए। अब कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि सर मुझे अपने स्टेट के हिसाब से भरना है, मान लीजिए कोई कैंडिडेट झारखंड का तो रांची भर लीजिए, कोई यूपी का है तो यूपी में आप लोग कहाँ भरेंगे, तो यूपी के लिए आप लोग अगर इलाहाबाद जाएंगे तो फाइट नहीं कर पाएगा एवरेज कैंडिडेट, तो यूपी वाले कैंडिडेट क्या करें, जम्मू भर लीजिए, ऑब्वियसली नॉर्थ में रहना है, या फिर भोपाल भर लीजिए, भोपाल की भी थोड़ी सी हाई रहती है, अहमदाबाद भर लीजिए। तो ये यूपी वाले कैंडिडेट, झारखंड वाले कैंडिडेट, साउथ वाले तो साउथ का जोन भरिए, ईस्ट वाले ईस्ट का जोन भरिए, वेस्ट वाले वेस्ट का जोन भरिए।
जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं उस आरआरबी के आसपास स्टेट के कौन सी आरआरबी है वहां से अप्लाई करिए, बहुत हाई चांसेस रहेंगे आपके जॉब लेने के। तो ये मैंने 12 आरआरबी ऐसी आरआरबी सेलेक्ट की है जहाँ की कट ऑफ कम रहेगी, डेफिनेटली बता दे रहा हूँ। 2024 की जब कट ऑफ आएगी आप लोग इस वीडियो को चेकआउट करिएगा, इन्हीं आरआरबी की कट ऑफ आप लोग को सबसे कम मिलने वाली है। तो ये मैंने बताया है कि किस आरआरबी से आप लोग को फॉर्म भरना चाहिए। तो अब आप लोग देख लीजिएगा कि आपके स्टेट के हिसाब से कौन सी आरआरबी भरनी। अगर आप लोग यूपी से भी हैं और आप लोग बेंगलोर से भरते कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाता है रेलवे में, म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाता है। जब कोई कैंडिडेट आपको मिल जाएगा यूपी से बेंगलोर जाने वाला या फिर दिल्ली से बेंगलोर जाने वाला या नॉर्थ के स्टेट से बेंगलोर में जाने वाला, तो आप लोग उससे कॉन्टैक्ट करिए। बहुत सारे ग्रुप बने हुए टेलीग्राम पर जहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर मिल जाते हैं, वेबसाइट भी बनी हुई है, मैं भी बता दूंगा, वो मैं आपको बाद में गाइड कर दूंगा, उसकी जरूरत आप लोगों को अभी नहीं है। आपका ट्रांसफर हो जाएगा साल दो साल चार पाँच साल बाद, छः सात साल बाद आप अपने घर आ ही जाएंगे। तो रेलवे की सबसे बढ़िया बात रहती है। तो आप लोगों को अगर जॉब की प्रायोरिटी रखनी है तो इन्हीं आरआरबी को सिलेक्ट करिएगा, बेवजह इधर उधर के आरआरबी में मत भागिएगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत बढ़िया है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो किसी भी आरआरबी से फाइट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आप लोग चंडीगढ़ से भी भरो, कोई दिक्कत नहीं, हाई कट ऑफ जाएगी, फाइट कर लोगे तो भरना। कोलकाता बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, इलाहाबाद हाई कट ऑफ जाएगी, अजमेर हाई, मुंबई हाई, सिकंदराबाद हाई, तिरुवनंतपुरम हाई, गोरखपुर हाई, तो ये आप लोगों की 9 आरआरबी है, पटना। तो इन आरआरबी को ध्यान में रखिए, जिन कैंडिडेट ने इन आरआरबी से अगर ऑलरेडी फॉर्म भर लिया तो कट ऑफ हाई जाएगी, उसी लेवल की आप लोग तैयारी करिए। अगर नहीं भरा है अभी तो जो मैंने ऊपर 12 आरआरबी बताई है उनमें से किसी में भी अप्लाई कर लीजिए, हाई चांसेस रहेंगे आप लोगों के जॉब लगने के। तैयारी बढ़िया है, कंपटीशन को फाइट कर सकते हो, तब आप लोग चंडीगढ़ में जाइए, इलाहाबाद में जाइए, अजमेर में जाइए, मुंबई में जाइए, तकड़ा कंपटीशन होगा, पहले बता देता हूँ। वैकेंसी भले ही ठीक ठाक हो इनमें, लेकिन कंपटीशन एक हाई लेवल का हो, हाई स्टैंडर्ड का हो। तो इनमें सिर्फ वही कैंडिडेट भरे जिनकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया लेवल की है, अच्छा काफ़ी टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए, फाइट कॉम्पिटिशन को मात दे पाओगे तभी आप लोग इन आरआरबी को भरिएगा। बाकी जितने भी एवरेज कैंडिडेट हैं जो सिर्फ जॉब के मोटिव से फॉर्म भर रहे हैं रेलवे में, तो सिर्फ इन्हीं आरआरबी से भरना, 12 आरआरबी से। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखनी है वो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको जा करके चेकआउट करिएगा। उसके बाद आप लोग आरआरबी जो मैंने बताइए 12 उनमें से भरिएगा, बढ़िया तैयारी तो आरआरबी 9 जो बताइए उनमें से भरिएगा, तब फॉर्म भरिएगा पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से। मेडिकल स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों को एनटीपीसी के बारे में बता रहा हूँ, फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है एनटीपीसी के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट करिएगा, वो डाउट मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूँगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और मैं आप लोग को जेके वाले सेक्शन की तैयारी करवाऊंगा। ध्यान रखिएगा, जितना मैंने पढ़ा सब आपको पढ़ाऊंगा, कैसे तैयारी करनी है वो समझाऊंगा, आप लोग जुड़े रहिए हाई स्टडी चैनल से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।